लोग अपने अपने सामान, पासपोर्ट और वीजा हाथ में रख लें। हिंदुस्तान से भर भर के जासूस नकली कागजों पे आ रहे हैं। कोई है तो नहीं हरामखोर कुत्ता है? चलिए बाहर निकलिए। लीजिए जाइए। शुक्रिया जनाब। पासपोर्ट, पासपोर्ट। अशफाक, अशफाक। जी 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 जनाब। यही नाम है तुम्हारा? जी जनाब। और वतन है पाकिस्तान, मुल्तान का ही रहने वाला हूँ। अलीगढ़ गया था अपने मामा जान के घर पे, खाला का निकाह था। क्या बात है भाई, क्या बात है। वैसे क्या कहते हैं काफिर पाकिस्तान के बारे में? वो ना पूछें तो बेहतर होगा जनाब। क्या कहते हैं? वादा करें आप नाराज नहीं होंगे हम पे। क्या कहते हैं? जी हिंदुस्तानी आर्मी तो कहती है पाकिस्तानी आर्मी चूजा है। दो पैसों की इज्जत नहीं करती आपकी, कहती है 48 में मारा, 65 में मारा। अब अगर जंग फिर हुई तो फिर मारेंगे और बांग्लादेश बनाएंगे। बस नाम सुना है मेजर जनरल हामिद इकबाल का। जी जी जनाब। अभी छोटी सी मुठभेड़ हुई थी राम टेकड़ी पर, फोड़ दिया उन्होंने, और इस बार अगर जंग हुई ना तो पूरा ही फोड़ देंगे। हिंदुस्तान की जमीन को लाल और झंडे को हरे रंग में रंग देंगे। अगर ऐसी जंग हुई ना जनाब तो फिर उबाल हमारी रगों का भी देखना। दुश्मन को खून में डुबो डुबो कर मारेंगे। आमीन, आमीन। क्या नौजवान है हमारे पाकिस्तान में, शाबाश। खुदा हाफिज हुजूर। किसको कह रहा है काके? ये ISI है ना, ये कुत्ते से भी तेज है सूंघने में। हाँ खोरिया कर देंगे तेरा बेटा, कुंडली बना देंगे। और अगर उनको थोड़ी भी भनक पड़ गई कि तू तारा सिंह का पुत्र है तो बस चीर फाड़ कर देंगे। इसलिए बेटा मेरा कहना मान, थोड़ा खा पी ले और वापस चला जाए हिंदुस्तान। पापा के बिना अपनी माँ की आंखों में जब आंसू देखता हूं ना तो जी करता है संसार को आग लगा दूं। सारे डर भाग जाते हैं। अब जो होगा सो होगा। किसको कह रहा है काके? अच्छा चल ले अभी ये लाहौरी छोले भटूरे खा ले, उंगलियां ते जीप दोनों चाटते रह जाएगा। ले। मेरे पापा के बारे में बताओ ना, कुछ पता लगा? ओ यार पुत्र, जब से तेरा खत आया ना तब से काके के बारे में खबर लगाने में लगा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मशक्कत से तेरी बदतमीज चाची को उसके उलझनून बेटों के साथ मायके भेज दिया। उसके बाद वो जनरल रानी मालूम है, यहाँ की मशहूर तवायफ है वो जनरल। अरे चाचा मेरे पापा के बारे में दसो ना। तेरे पापा के बारे में बता रहा हूँ यार, जनरल रानी रानियों की रानी है वो। उसके 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 खानसामे को पटा के, उसे अंग्रेजी शराब पिला के उसके अंदर की सारी खुफिया बातें बाहर निकाल लिए, समझा? तो मालूम ये हुआ कि पठानकोट बॉर्डर से कुछ फौजियों और ट्रक ड्राइवरों को पकड़ा है, उन्हें छिपा के रखा है, खुफिया सीक्रेट। इससे एक बात तो आईने की तरह साफ है पुत्र कि मेरा काके जिंदा है। आजा मेरा बेटा आ गया, आजा। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। हमारी सहेली है ना रेहाना, उसके भाईजान मुर्तजा इंडिया गए थे बॉम्बे,
तो इस पर हमने उनसे राजेश खन्ना का ऑटोग्राफ और फोटो कॉपी मंगा ली। ये देखो डियर मुस्कान, अबूजान मुझे एक बार राजेश खन्ना से मिला दो प्लीज, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। पर ऐसे माहौल में जाकर राजेश खन्ना से मिलना भाई ये तो नामुमकिन है। चचा जान, अब्बू जान पे तो 100 बार मेरी जान कुर्बान है। मेरी बात सुनो पहले, वो अब्दुल अली और गुल्लू ना नई खानसामा को लेके आए हैं, जाके वो देख ले, मैं जनरल रानी के यहाँ जा रहा हूँ। अरे गुल्लू फिर किसी उल्लू को लेकर आया होगा अब्बा जान, मैं नहीं देख रही। अरे बेटा ये हमारी मजबूरी है, ईद सर पर है, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, खानसामों की हमारे पास कमी है। ठीक है अब्बू, ठीक है चलो। अरे मेजर अनवर आए थे क्या, आईएसआई वाले? हाँ तो फिर किसी हिंदुस्तानी जासूस की फोटो लेकर आए हैं, आपने सूरतें देखी? अरे सबकी सूरतें एक जैसी होती हैं, यहाँ वालों की भी और वहाँ वालों की भी। पार्टीशन से पहले हम कितनी मोहब्बत से रहते थे, अब तो अल्लाह ही हाफिज है। अरे हाँ सुन, इसको वहाँ चिपका देना और वो जो नया खानसामा आया ना उसका इम्तहान ले लेना। ठीक है चलो मियाँ। अरे रहमान जरा छुरी लाना। एक्सक्यूज मी, मदद करें हम आपकी? जी जी ये अशफाक मियां है, हमारे भतीजे अव्वल दर्जे के खानसामा। जी जी इनके हाथ की बिरयानी अगर आपने एक बार चख ली ना तो जिंदगी भर उंगलियां चाटते चाटते थक जाएंगी। जी अच्छा तो इस हिंदुस्तानी हीरो का इम्तिहान लेना है? हिंदुस्तानी हीरो? आपके अंदाज से तो आप बिल्कुल राजेश खन्ना लगते हैं। ऐसे आप भी मुमताज से कम नहीं। अरे सुनिए जी, ये मुल्तान से आए हैं लाहौर खास नौकरी के लिए, अगर इनकी नौकरी लग जाए तो हमारा जो दिल है ना वो हल्का हो जाएगा। और इनका दिल आजमा लीजिए, आइए। वैसे आपको देख के एक शेर अर्ज किया है। इरशाद, आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का, आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का, आप है बेहद हसी मगर नाम क्या है आपका। अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, जनाब इस हुस्न को मुस्कान कहते हैं। वैसे हिंदी फिल्मों के काफी शौकीन लगते हैं आप भी कम नहीं। सायरा बानो कैसी लगती है आपको? सच बताएं तो आपसे खूबसूरत नहीं है। बातें बनानी तो बहुत आती है। रहम साहब जी, रहम की कोई कीमत नहीं है मजहब के बाजार में। भीख मांगी थी रहम की मेरी अम्मी, मेरे अब्बू ने, मेरे भाई बहन सबको मार दिया तुम्हारे लोगों ने वहां दिल्ली में। तुम लोगों का मुल्क था, तुमने मारा। ये मेरा मुल्क है, मैं मारूंगा। ये मुल्क मेरा भी है, हमारी चार पीढ़ियों ने। तुम्हारा मुल्क ठीक है, इस मुल्क के बनकर दिखाओ। सूबेदार लेकर आओ। या कुरान
मैडम जी। ओ मैडम जी, देखिए आपके लिए सरगोधा से किन्नू आए हैं। मैडम जी, सरगोधा से किन्नू? कर्नल साहब ने भेजे हैं आपके लिए। कर्नल साहब ने? लगीता नहीं, लेखा की होया? वक्त के साथ साथ हमारे लिए आपकी केयर बढ़ती ही जा रही है। एक चीज और बढ़ती जा रही है मैडम जी। वो क्या? थोड़ा प्यार। तो फिर सुना दीजिए ना, बहुत दिन हो गए।